नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। काले कपड़े पहनकर सायरा पंचायत समिति में हड़ताल पर बैठे ग्राम विकास अधिकारी, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पीओ व उप प्रधान को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को सायरा पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी अवकाश लेकर काले कपड़ों में पंचायत समिति में हड़ताल पर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पीओ सुरेश खटीक व उप प्रधान भारत सिंह बरवाड़ा को ज्ञापन सौंपा। सायरा उप शाखा अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि दिसंबर 2021 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने ग्राम विकास अधिकारी संघ की 5 मांगे मानी थी और संघ से समझौता करके हड़ताल छुड़वाई थी। समझौते को 8 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक के सभी ग्राम विकास अधिकारी 25 व 26 अगस्त को अवकाश लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दिसंबर में मंत्री रमेश मीणा ने ग्राम विकास अधिकारियों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए एक बार शिथिलता प्रदान करने और पॉलिसी बनाने, विगत 5 वर्षों से लंबित ग्राम विकास अधिकारी पद के सहायक विकास अधिकारी पद की पदोन्नतियां करने और सहायक विकास अधिकारी के पद सृजित करने सहित 5 मांगों पर समझौता करते हुए उनका जो हड़ताल था उसको तुड़वाया था और 2 महीने में उन मांगों को पूरा करने का जो है उन्होंने एक तरीके से वादा किया था, जिस वादे को 8 महीने बाद में भी वो पूरा नहीं कर सके हैं। इसी के खिलाफ जो है ग्राम विकास अधिकारी संघ जो है आक्रोशित है और इस तरह की जो है हड़ताल की जा रही है। तो काले कपड़ों में आप देख सकते हैं पहनकर जो है एक दिन का पूरा ये हड़ताल रहा 26 को, यानी आज भी उनकी हड़ताल जारी है और ये लगभग 20 दिनों से हड़ताल जारी है और इनकी हड़ताल के चलते ग्राम पंचायत के काम प्रभावित हो रहे हैं। वेंडरों को जो है समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है, वहीं ग्रामीणों के काम अटके हुए हैं। 4 अगस्त से हम ग्राम विकास अधिकारी संघ से रेगुलर लंपी वायरस की बीमारी के अलावा समस्त कार्य से मुक्ति ले रखी है और मेन हमारी जो मांग है वो ये है कि 11/12/2021 को जो राज्य सरकार द्वारा हमारे संघ को जो 5 समझौते किए गए थे उस समझौतों को लागू करवाना है। उसमें मुख्य मांग है कि जो हमारे नए साथी भर्ती हो रहे हैं उससे पहले जो पुराने साथी है जो घर पर जाना चाहते हैं उनके लिए अंतर जिला स्थानांतरण की नीति बना करके उन ग्राम विकास अधिकारियों को संबंधित जिले में पहुंचाया जाए। दूसरी हमारे हैं कि 1:4 के अनुपात में जो सहायक विकास अधिकारी के जो योग्यता पद जो है उस पद को पुनः सृजित करके और हम वापस हमारे स्थान सही किया जाए। साथ ही हमारे ग्राम विकास अधिकारी संघ में जो 3700 की पे ग्रेड जो पुरानी मांग है जो तो है ही है, लेकिन वर्तमान में यही कर रहे हैं कि हमारे को नया नहीं लेकिन न्याय दिलाया जाए और ये न्याय के लिए जो 5 मांगे हैं जो सरकार से है कि पूरी कर दी जाए ताकि हम इनको इस धरने को स्थगित करें और जनता को हम राहत पहुंचाएं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये वादा सरकार ने पहले भी किया था और उस वादे को पूरा नहीं किया, इसलिए आप वादा खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जी जी सर। तो ये जो 5 मांगे जो आपने बताई है, क्या सरकार ने इन 5 मांगों को लेके पहले कोई वादा किया था? वो 21/12/2021 को हुआ था समझौता, उसमें सरकार के माननीय पंचायती राज मंत्री जी भी सम्मिलित थे और वहाँ के कुछ विधायक भी सम्मिलित थे और हमारे प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। उनके द्वारा जो समझौता किया गया था वो अभी तक लागू नहीं हुआ। तो उस समझौते से पहले क्या पहले भी कोई आंदोलन हुआ था? वो कितने दिन का आंदोलन हुआ था, उसके बाद में वो वादा हुआ था? वो उससे पहले जो हुआ था वो उस समय जो नरेगा के काम चल रहे थे और लेकिन सरकार ने उस समय राहत, मतलब जनता को राहत देने के लिए हमारे संघ ने ये माना कि भाई हम ले लेते हैं हमारा ये धरना और आंदोलन लेकिन हमें कुछ समझौता किया जाए, तो उन्होंने समझौता कर दिया। वर्तमान में भी सरकार कह रही है कि आप समझौता कर लो और हम आपकी मांग लेंगे, लेकिन सरकार हमारी जो जिला प्रदेश कार्यकारिणी वो इस पर अड़ी हुई है कि आप हमारे ऑर्डर जारी करो फिर हम समझौता लेंगे। अभी आप कितने दिन से यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं, कितने दिन से आप हड़ताल कर रहे हैं और आगे की क्या रणनीति है आपकी, क्या रहने वाला है? हमारी ये रणनीति है कि 4 अगस्त से तो हम केवल सरकार के मुख्यालय पर उपस्थित है लेकिन सरकार के लंपी वायरस के अलावा दूसरे सब काम हमने रोक।
लेकिन मुख्यालय पर हम सभी ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित हैं। किसी भी प्रकार की आपदा होने पर हम मानवीय धर्म के नाते हम पशुओं के उस बीमारी में पूरे तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आज जो है 25 और 26 को हमारा जो सामूहिक अवकाश है और उसके बाद में 29-30 को और हम 31 को और धरना देंगे और सरकार अगर उसके बाद में नहीं मानती है तो फिर हम सितंबर में उग्र आंदोलन करेंगे। सभी अध्यक्ष जी समेत सभी पदार्थ है उनका एक मानना है कि हमें हमारे जिले में जाना है और TSP बेल्ट होते हुए अगर राज्य सरकार ने बोला है कि आपकी मांगे मानी जाएगी पर अभी तक नहीं मानी गई है, पर हम भी ये चाहते हैं इनको इनके जिले में भेजा जाए ताकि हमारे TSP वाले बेल्ट के जितने भी बेरोजगार भाई लोग हैं उनको भी नौकरी मिले। हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे और कागज़ भेजेंगे सर इनको इनके जिले में भेजा जाए ताकि हमारे TSP बेल्ट वाले भाइयों को फ़ायदा मिले।